So student, we are going to start the basics of physics part and we are going to understand today the matter and energy. हम आज पढ़ रहे हैं matter and energy. तो देखते हैं actually matter and energy है क्या. तो matter तो हमने देखा है whatever the objects we have in our surrounding which have mass and occupy space are called as matter. है ना. तो matter क्या है actually में anything which has mass and occupies space is called as matter. और energy क्या है the capacity of doing work काम करने की जो कैपेसिटी है ना, the capacity of doing work is called as energy. हाँ या ना. ठीक है. तो एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर एंड The capacity of doing work is called as energy. So हम आज इन दोनों कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप देखने वाले हैं. ठीक है. मैटर और एनर्जी क्लियर हो गया. Yes sir. Okay. So हमारे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं. So I'm writing point one by one. I'm making star point because they are very important. So in our universe. In our universe, हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं. In our universe, only two things exist. और वो कौन कौन सी दो चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स में हैं? सिर्फ दो ही चीजें हैं. पहला है मैटर. One is matter and other is energy. इन दो चीजों को छोड़कर यूनिवर्स में और कुछ भी नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? हमारे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें हैं. पहला है मैटर और दूसरी है एनर्जी. और मैटर को हम एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल. मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल. इंटरकन्वर्टिबल का मतलब matter can be converted into energy and energy can be converted into matter. So I'm writing here, hence matter can be converts into energy. जैसे आपके पास wood का एक block है, suppose ये wood लकड़ी है. ठीक है, दो चार आपने लकड़ी ले लिया. ठीक है, और आपने उसको बर्न किया, जलाया. तो सपोज आपने लकड़ी लिया है 10 kg, वुड जो है आपने लिया है 10 kg और आपने उसको बर्न किया. सो बर्न करने के बाद जो मास बचेगा जिसको हम ऐश बोलते हैं, क्या वो 10 kg होगा, कम होगा या उससे ज्यादा होगा? हाँ, यस. व्हाट सर? हमने 10 kg ऑफ वुड लिया, लकड़ी. ठीक है, और हमने उसको बर्न किया, जलाया. तो जलाने के बाद जो बायोमास बचता है, बायोमास है नहीं, ऐश, राख बोलते हैं ना हम, क्या हम उसी को बायोमास बोलते हैं. बायोमास, द बायोमास विच लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर बर्निंग द वुड, ये वुड है और हमने उसको बर्न किया है, जल रही है. सपोज हमने 10 kg ऑफ वुड लिया और उसको पूरा कंप्लीटली बर्न किया,
तो कंप्लीटली बर्न करने के बाद जो बायोमास बचता है यानी ऐश जो बचती है वो 10 kg होगी, उससे ज्यादा होगी उससे कम होगी? सर कम होगी, कम होगी ना, वो 1 kg 1/2 kg के आसपास ही होगा, ऐसा है? तो बाकी का 9 kg आपके सपोज 2 kg है, तो बाकी का फिर मैटर गया कहाँ? हमने तो मैटर 10 kg लिया था। तो ये जो वुड है जो कि मैटर है, मैटर को हमने बर्न किया और मैटर कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, टाइम कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, इतना क्लियर हो गया? इसका मतलब मैटर से एनर्जी, मैटर को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना जलाने के बाद, और उस हीट एनर्जी से हम खाना बना सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा मैटर कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अगर हम देखते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसमें कैपेसिटी होती है कि सन से आने वाली रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको फूड के फॉर्म में डिपॉजिट कर देता है। तो वहां पर वो यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल और रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको मैटर के फॉर्म में डिपॉजिट करता है, हाँ कि नहीं? सो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है मैटर में, और किसी भी बर्निंग प्रोसेस में मैटर का कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी में, इसका मतलब मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, हेंस इसीलिए मैटर कैन बी कन्वर्ट इंटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू या कन्वर्ट्स इंटू मैटर। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मैंने। अब मैं इसको ना थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, टर्मिनोलॉजी। तो मैं नीचे वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा का है वुड वाला, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कभी मुझे काम नहीं है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ टर्म। टर्म कैसा, ये हो गया हमारा मैटर, मैटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में और एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैटर में। देखो एरो दोनों साइड में हो रहे हैं, है ना, और वो इंटर कन्वर्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैटर को कन्वर्ट करता है एनर्जी में एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। ओके, सो आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। डन, यस सर। ओके, अब हम देखेंगे एनर्जी। तो देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, ये है मैटर के लिए, लेट मी राइट हियर, ये मैटर के लिए और ये एनर्जी के लिए। आपने 9th के साइंस की बुक ले ली हो क्या सभी ने? यस सर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है, अभी मैंने जस्ट डेफिनेशन लिखा कर दिया एनर्जी की, कैपेसिटी ऑफ वर्क। यस द कैपेसिटी, यस द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी एनर्जी, यस कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, इज कॉल्ड एज एनर्जी, यस। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी को मैं थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, पहले सुने आपने काइनेटिक एनर्जी? नो सर, नहीं सुने सर, अभी सुने, पहले नहीं सुने, पहले नहीं सुने थे? नहीं। ओके ठीक है, सफल क्या होती है काइनेटिक एनर्जी?
सफल अर्जुन ओके कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी मीन्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कड़ लगा यस सर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के में अगर उसके मोशन के कारण एनर्जी है ओके द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी सपोज अगर हम बात कर रहे हैं फैन की तो ये है हमारा फैन जो हमको रोज अभी गर्मी के दिनों में हवा दे रहा है ठीक है यहाँ पर वो स्विच वायर जो भी लगे रहते हैं और सपोज हमने इसको कनेक्ट किया इधर इलेक्ट्रिक सर्किट से अब सपोज पावर कट हो गया तो अभी ये फैन अभी स्टार्ट था बट सडनली पावर कट होने के कारण यहाँ पर फैन में जो एनर्जी सप्लाई हो रही थी वो बंद हो गई तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट हुई तो फैन स्टॉप हो गया क्या यस सर नहीं बेटा थोड़ी देर तो घूमता रहता है ना यस सर हाँ थोड़ी देर घूमता रहेगा देखो करंट नहीं जा रहा है फिर भी थोड़ी देर मोशन करता रहेगा ये फैन इसका मतलब उसमें जो घूम रहा है जो वर्क कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण कर रहा है जैसे आप बाइसिकल चलाते हो आप बाइसिकल का तो आपको एग्जांपल पता है क्योंकि आप रोज साइकिल चलाते हो ठीक है सपोज ये होगी ये बाइसिकल यहाँ पर है आपकी सीट यहाँ पर है आपका हैंडल ये हैंडल है और ये सीट है फिर यहाँ पर पेडल है ठीक है अब यहाँ पर कृष्णा बैठा हुआ है ठीक है ये कृष्णा बैठा हुआ है और साइकिल के हैंडल को हाथ पकड़ा है और पेडल के ऊपर पैर है ओके अब देखो अब क्या कर रहे हैं एक दो चार पेडल मारा कृष्णा ने और पेडल मारना बंद कर दिया तो क्या साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाती है नहीं साइकिल बहुत दूर तक अपने आप चलती रहती है और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है सो ऑब्जेक्ट में हमने एनर्जी यानी फोर्स नहीं लगा रहे हैं फिर भी वो वर्क परफॉर्म कर रहा था इसका मतलब वहां पर जो एनर्जी है उस वर्क को करने के लिए वो साइकिल के मोशन के कारण है ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन के कारण एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ओके दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया यस सर ओके पक्का किसी को कोई डाउट नो सर ओके तो ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मैं आप लिख रहा हूँ फर्स्ट दूसरा फॉर्म है दूसरा हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पहले सुने क्या नो सर सफल आपने भी नहीं सुने सर जो एनर्जी खाने से मिलती है वो बेटा केमिकल एनर्जी है अर्जुन व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा ओके डोंट वरी आई एम गोइंग टू टेल यू सी वेट somebody इज इन वेटिंग रूम रमेश अभी से आया है ओके सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सपोज ये है घर इसका कृष्णा का घर है ठीक है ये कृष्णा का घर है अब कृष्णा के घर में ये है कृष्णा का बाथरूम ठीक है यहाँ पर बाथरूम है यहाँ पर शॉवर लगा हुआ है और घर के ऊपर वाटर का टैंक रखा हुआ है वाटर का टैंक ठीक है और उसके घर के साइड में ट्यूबवेल है ट्यूबवेल और ट्यूबवेल में क्या है मोटर लगी हुई है जिससे पानी इस टैंक में जाता है ठीक है इतना समझ में आ गया Yes, sir. अब मोटर को चलाने के लिए इधर एक सर्किट भी है तो कृष्णा जाएगा सबसे पहले तो मोटर को ऑन करेगा हाँ या ना मोटर को ऑन किया तो ट्यूबवेल के अंदर जो पानी है वो अपने आप छत में रखे हुए टैंक में चले जाएगा क्या अपने आप
अपने आप जाएगा क्या विदाउट मोटर? मोटर को छोड़ दो, मोटर नहीं है, हमने सिर्फ पाइप लगा दिया। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो क्या उस पाइप के थ्रू ट्यूबवेल का पानी अपने आप इस ओवर हेडेड टैंक जो हमारे घरों के ऊपर में होता है वहां पर अपने आप जाएगा क्या? नो सर, नो सर, नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। लेकिन टैंक से जो नल आया हुआ है आपके बाथरूम में, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोटर नहीं लगी हुई है, लेकिन अगर आपने टैप ऑन किया, नल ऑन किया, तो क्या टैंक का पानी अपने आप नल से आएगा? यस सर। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्यूबवेल का पानी नहीं आ रहा है और छत के ऊपर जो टैंक है उसका पानी आ रहा है नल से, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टैंक में जो पानी है उसकी एनर्जी ज्यादा है और जो ट्यूबवेल में पानी है उसकी एनर्जी कम है, हाँ या ना? हम ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन इसकी एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि इसकी पोजीशन डाउन है, गहराई में, डेप्थ में है, और ये जो टैंक जो छत के ऊपर टैंक है उसमें जो पानी है इसकी पोजीशन हाई है, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर जो वाटर में जो एनर्जी है वो वाटर के पोजीशन के कारण है, जो हायर पोजीशन के ऊपर है उसकी एनर्जी ज्यादा, जो लोअर पोजीशन के ऊपर है उसकी एनर्जी कम। तो दोनों तो पानी ही है, दोनों वाटर ही है, बट एक टैंक में है जो हम उसके पोजीशन हाई है और दूसरा ट्यूबवेल में जिसकी पोजीशन लो है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस है ये ड्यू टू पोजीशन ऑफ वाटर के कारण है। तो अगर पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कड़ल का पोटेंशियल एनर्जी, एवरीवन क्लियर? ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट डेफिनेशन फॉर दैट। द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर पोजीशन के कारण अगर एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट में तो हम बोलेंगे उसको, उसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी। सजल, नाउ यू अंडरस्टूड बेटा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट? यस सर। अर्जुन, हैव यू अंडरस्टूड? अर्जुन, अर्जुन, यू हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? क्या होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोजिशन ही है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ, कंडीशन को मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ और कंडीशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ रेड पिंक इंक। कंडीशन क्या है? इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाई, यानी हाइट के ऊपर है हाई, देन इट्स एनर्जी इज हायर, एंड इफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लो और लोअर, देन इट्स एनर्जी इज ऑल्सो लो। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, किसी को डाउट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में? नो सर। ओके, नाउ थर्ड काइंड ऑफ एनर्जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी रहने दो, बाद लेंगे एक साथ।
Okay. So now we are going to understand the third type of energy. Third type of energy is called as electrical energy. Or electric energy. Any idea about electric energy? हम तो रोज यूज करते हैं घरों में, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी? हम जो पढ़ रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण ही है. मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ आपको, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यस. तो क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एनी आइडिया? No? Okay. I am going to tell you. The form of energy due to flow of charge by electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज फ्लो हो रहा है उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, बाय नहीं, थ्रू इलेक्ट्रॉन या बाय इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, बाय इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. ओके लुमेश, समझ में आएगा बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? लुमेश, Rumesh, have you understood what is electrical energy? Yes. Okay, आप लेट आए ना बेटा. अब देखो क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, हमने स्विच ऑन किया तो फैन ऑन, हमने स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन, स्विच ऑन किया तो मोटर ऑन, स्विच ऑन किया तो कूलर ऑन, स्विच ऑन किया तो टीवी ऑन. सब कुछ हम स्विच ऑन करते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं वर्किंग करना. तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स. ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक्चुअल में चार्ज को कैरी करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स. ठीक है. सो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी पावर हाउस से हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहां ट्रांसफार्मर से फिर हमारे मीटर तक, और हमारे मीटर से हमारे घर के इंडिविजुअल सर्किट तक जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको कैरी करने वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन. इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसी को कोई डाउट? नो सर. पक्का? यस सर. ओके सो आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट अगेन डिफरेंट पार्ट ऑफ एनर्जी. Take a screenshot and make your individual like energy, kinetic energy क्या है, potential energy क्या है, electric, सबको individual लिखना है. जैसा मैं लिख रहा हूँ ना ऐसा नहीं लिखना है आपको. Done sir. Everyone done? Yes sir. Okay. Wait a second. Let me little aside.
Okay, so now we are going to discuss the next type of energy. So मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ next type की energy, fourth type. मैं यहाँ से start करूँगा लिखना. अब हम देखेंगे लाइट एनर्जी. हमारे अर्थ पर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन.